आजकल जब भी हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या आपस में बातें करते हैं तो एक ही शीर्षक को पाते हैं और वह है कोरोना। कोरोना क्या है? इस महामारी से हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना एक साधारण बीमारी नहीं है, यह एक महामारी है। और अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि यह एक छुआछूत की बीमारी है। मेरी दृष्टिकोण में कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी विभीषिका और विकरालता ने हमारे सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी बीमारी, मुसीबत या चुनौती हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में दस्तक देती है, चाहे वह बीमारी कितना ही साधारण या गंभीर क्यों ना हो, इसका सीधा असर हमारे दैनिक जनजीवन में देखने को मिलता है। आज इस दुखद समय में आप लोग जीवन के मूल्यों को किस प्रकार देखते हैं और समझते हैं? मैं एक ख्रिस्तीय हूँ, केवल ख्रिस्तीय नहीं अपितु मैं एक यीशु समाजी पुरोहित हूँ। और एक यीशु समाजी पुरोहित के रूप में मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ऐसा ना केवल यीशु समाजी पुरोहित लेकिन हर एक ख्रिस्तीय, हर एक मनुष्य का दायित्व है। लेकिन जब से COVID-19 रूपी बीमारी में हम प्रवेश कर गए हैं, एक प्रकार का भय हम में समाहित हो गया है, जिसके कारण हम स्वतंत्रता पूर्वक दूसरों की सेवा, प्रेमपूर्ण सेवा नहीं कर पा रहे। प्रेमपूर्ण सेवा जैसे जीवन के मूल्यों से ही वास्तव में हमारे पहचान होती है। इन्हीं जीवन के मूल्यों के अनुपालन में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की प्रगति और समृद्धि निहित है। मैं यहीं पर एक इतिहास की बात रखना चाहूंगा। रोम में जब प्लेग की बीमारी फैल गई थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हीं को यह बीमारी लग जाती है, ऐसे समय में कई लोग शहर को छोड़कर के गांव की ओर चल पड़े थे। ऐसे समय में ख्रिस्तियों ने शहरों में आकर जो लोग प्लेग की बीमारी से ग्रसित थे उनकी सेवा शुश्रूषा की। ख्रिस्त के मूल्यों को अपना करके जीवन में आगे बढ़ना यही है। मृत्यु के आगे जीवन की क्या महत्ता है? जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तभी हमें स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि जीवन छोटा है, जीवन क्षणभंगुर है। बहुधा हम अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ते हैं मानो हम शाश्वत हैं, अपितु जब हम अपने जीवन में परहित को ध्यान देते हैं तो मृत्यु के नजदीक होने पर भी हम अधीर नहीं बल्कि धीर बने रहते हैं। जीवन की महत्ता वास्तव में परहित में समाहित। यह हमारा मानवीय स्वभाव ही है कि जो घटनाएं और परिस्थितियां हमको विनाश और असुरक्षा की ओर ले जाती हैं, वे हम में एक डर उत्पन्न करती हैं। लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता पूर्वक शांतिपूर्ण जीवन, मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन, प्रतिक्षण नियमित रूप से दूसरों पर केंद्रित जीवन अर्थात सेवामय जीवन जीना चाहिए। संत इग्नासियुस लोयोला इस तथ्य को बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं कि हम अपने जीवन में वही चुने और करें जो हमारी सृष्टि के अनुकूल है, अर्थात हम अपने जीवन में वही करें जो ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए है। कोरोना महामारी से जो हमारी लड़ाई चल रही है, इस पर शिक्षा किस प्रकार से हमारी मदद कर रहा है? मेरी दृष्टिकोण में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से प्रभावपूर्ण ढंग से लड़ने में
शिक्षा की भूमिका अहम है, क्योंकि शिक्षा लोगों में जन कल्याण, सेवा और देश हित की भावना जागृत करती है। अगर हम देखें तो अभी जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा में आगे आए, उनमें से अधिकतर लोग शिक्षित थे। और वास्तव में शिक्षा जो है लोगों के सामने सही जानकारी रखती है, और सही जानकारी के बिना कोरोना से जो हमारी जंग छिड़ी है उस पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन है। मैं यहाँ पर सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, जितने भी रिसर्च वर्कर्स हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, सबको शिक्षा जगत से जोड़ना चाहूँगा, और इनके योगदान के बिना भला हम COVID-19 से कैसे लड़ सकते हैं। COVID-19 के समय में आप व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन को किस नजरिए से देखते हैं? कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना ने हमारे सामाजिक और सामुदायिक जीवन के फासले को बढ़ाया है, लेकिन मेरा मानना है कि इसने हमारे जीवन को, सामुदायिक या तो व्यक्तिगत जीवन के जो हमारे बीच में संबंध है, उसमें कोई विखंडन नहीं लाया, इसने हमें विभाजित नहीं किया है। इसने जरूर हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश किया है, लेकिन हमको एक दूसरे से भावनात्मक दृष्टिकोण से दूर नहीं किया। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि COVID-19 के दरमियान व्यक्ति व्यक्ति को गंभीरता से लेने लगा, यानी आपकी सुरक्षा में मेरी सुरक्षा समाहित है, आपकी खुशी में मेरी खुशी समाहित। अब हमें यह समझ आ गई है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वी आर इंटरकनेक्टेड। हम यीशु समाजी हैं, और यीशु समाजी होने के नाते संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना का इस लड़ाई में क्या योगदान है या हो सकता है? जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति की शुरुआत क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, नैतिकता क्या है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो व्यक्ति संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना गंभीरता से करता है, उस व्यक्ति को इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। वह स्पष्ट रूप से यह जान जाता है कि ईश्वर ने उनकी सृष्टि इसलिए की है कि वह ईश्वर की प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे, उसकी सेवा करे। और ईश्वर की महिमा और प्रशंसा तब होती है जब हम दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना का यह बड़ा योगदान है। इस कृपा को पाकर जो लोग COVID-19 से ग्रसित हैं, हम उनकी बखूबी सेवा कर सकते हैं। जब हम हमारी आध्यात्मिकता पर चर्चा कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे रांची यीशु समाजियों द्वारा संचालित आश्रय गृह कुम क्वारंटाइन सेंटर में 15 से 20 लोगों का साक्षात्कार और परामर्श सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस दौरान बहुतों ने हमारे सेवा कार्य या कहें आध्यात्मिकता की प्रशंसा करते हुए हमसे इन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की, फादर रोटी कपड़ा और आश्रय तो बहुत से लोग दे सकते हैं, लेकिन जो प्यार, आत्मीयता, इज्जत और सम्मान आपने हमें दिया, हमने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। इनके इन कथनों से मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी आध्यात्मिकता को बहुत नज़दीक से महसूस किया।
जब हमने इन परित्यक्त तिरस्कृत असहाय लोगों में ईश्वर को देखा तो उन्होंने वे जिससे भगवान अल्लाह या खुदा कहते हैं उसकी कुछ झलक हम में देखी। और यही संत इग्नासियुस की आध्यात्मिकता भी है कि हम अपने प्रेम की उद्घोषणा अपने शब्दों से ज्यादा अपने कार्यों द्वारा करें। इस चुनौतीपूर्ण समय में रांची यीशु समाजियों द्वारा कई पहल किए गए हैं, उनमें से एक है शेल्टर होम। तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? COVID-19 के आरंभिक दिनों में झारखंड सरकार ने रांची यीशु समाजियों द्वारा संचालित तो कुछ संस्थानों का चुनाव कर उन संस्थानों को यह निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री कम्युनिटी किचन चलाएं। वास्तव में सरकार का यीशु समाजियों से यह आग्रह करना या उनको निर्देश देना सरकार की और दूसरे लोगों के विश्वास को दिखाता है। वे लोग यह विश्वास करते हैं कि रांची यीशु समाजियों के द्वारा जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा होगी। यीशु समाजियों ने इस प्रकार की छवि सरकार के सामने लोगों के सामने रखी है, यह सचमुच प्रशंसनीय है, यह सराहनीय बात है। मेरी प्रार्थना तो यही होगी कि यीशु समाजी इस विश्वास में सदैव बने रहे। इस विकट परिस्थिति में यीशु समाजियों के सक्रिय भागीदारी को देखकर मुझे यीशु समाजियों के लिए निर्देशित 4 प्राथमिक प्रेरितिक कार्यों की याद आती है, जिसे हमारे सुपीरियर जनरल ने विश्व भर के सभी यीशु समाजियों को अगले 10 वर्ष अर्थात 2029 तक अपने स्तर पर लागू करने का आदेश दिया है। और इन 4 प्रेरितिक कार्यों में से एक है दलित और पिछड़े तिरस्कृत लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। और इसी के तहत रांची यीशु समाजियों ने कोरोना के इस विकट परिस्थिति में तुरंत 2 शेल्टर होम और अन्य सेवा कार्य किए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराई। रांची प्रोविंस का यह कदम वाकई सराहनीय है। क्या हम लोगों ने वसुदेव कुटुंबकम के अर्थ को सही रूप में समझ पाया है? निश्चित तौर पर इस वैश्विक महामारी ने शताब्दियों से चली आ रही हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार की भावना को पुनः जागृत किया है। हमने देखा कि देश के एक बड़े तबके ने धर्म, जाति, संस्कृति एवं क्षेत्रीय इत्यादि भेदभाव को तोड़कर एक साथ इस बीमारी का सामना किया। और हमारे आश्रय गृहों में भी लोगों ने एक परिवार के रूप में एक छत के नीचे एक रसोई में बना भोजन ग्रहण किया। यह दृश्य वाकई में अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और अखंड भारत की तस्वीर को सजीव करता है। यह सच है कि इस दर्शन यानी वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता हम भारतीय हैं, पर मुझे लगता है इस पर और अधिक गंभीर होने और इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस महामारी के समय में भी हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसी मतभेद का अनुभव करते हैं। और इसीलिए आज के समय में, आज जब हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को गंभीर हो करके उसे स्पष्ट रूप से जीने की जरूरत है। कोविड-19 की उत्पत्ति
या निदान के संदर्भ में विज्ञान का क्या योगदान है? विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या फिर आशीर्वाद? मैं स्पष्ट रूप से यह कह नहीं सकता कि यह बीमारी वास्तव में मानव निर्मित है या फिर यह प्राकृतिक या नैसर्गिक है, लेकिन अपनी बात इस ढंग से रखना चाहूँगा कि यदि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य भुला गया, मनुष्य का लक्ष्य है, उसके जीवन का लक्ष्य है कि वह ईश्वर की महिमा करे, उसकी प्रशंसा करें, और ईश्वर की महिमा और प्रशंसा लोगों की सेवा में समाए। जब व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, तब वह विज्ञान का प्रयोग, उसका उपयोग मनुष्यों की सेवा के लिए नहीं करता। ऐसे समय में विज्ञान मनुष्यों के लिए अभिशाप का कारण बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानते हुए विज्ञान का उपयोग, उसका प्रयोग मनुष्यों के हित में करता है, उनकी सेवा में करता है, तो निश्चय है कि विज्ञान सभी लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाता है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोरोना के संदर्भ में विज्ञान हमारे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि विज्ञान ने हमें इस बीमारी की जटिलता को समझने और इसका निदान तलाशने में हमारी मदद की है। अंत में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ें तो अध्याय 23 पद संख्या 4 में लिखा है, अंधेरी घाटी से होकर के मुझे गुजरना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। इस महामारी के समय हमें अंधेरी घाटी से होकर के जाना पड़ रहा है। ऐसे विकट समय में हम यह सदैव याद रखें कि ईश्वर हमारे साथ है, हम इसी विश्वास में बने रहें। यदि आप महामारियों का अध्ययन करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हर एक महामारी की एक शुरुआत है, और यह महामारी धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस शिखर पर वह लंबे अंतराल तक होता रही, धीरे धीरे यह कमजोर होता चला जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। हमारी सरकार ने डॉक्टरों से मिलकर के हम सबों के लिए, मनुष्यों के लिए, भारत देश सभी देशवासियों के लिए एक निर्देश निकाला है, और उस निर्देश के माध्यम से COVID-19 के जो शिखर में होने वाली बात है, उस शिखर में होने वाली बात को लंबे समय तक रहने नहीं देने के लिए इन निर्देशों का पालन की हमसे उम्मीद की जाती है। हम सभी भारतीय, हम सभी नागरिक उन निर्देशों का बखूबी पालन करें, और इस प्रकार हम स्वयं को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी संदर्भ में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 15 में कहा गया है, मूर्ख हर किसी की बात पर विश्वास करता है, किंतु समझदार सोच समझकर आगे बढ़ता है। यह समय हमारे लिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का है। आजकल सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारों में कोरोना और इससे संबंधित दुष्परिणामों पर सूचनाओं का अंबार है। मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप उन सूचनाओं को ग्रहण करें जिसमें आपकी सुरक्षा और समाज का कल्याण है। कुल मिलाकर आप सबों को मेरा यही संदेश है, रिप्लेस योर फियर विथ फैक्ट्स एंड फेथ, अर्थात सही तथ्यों की जानकारी लेकर ईश्वर पर विश्वास करते हुए कोरोना के डर से निजात पाइए। मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ अपने विचार एवं चिंतन रखने के लिए। उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे।